9 का जो मामला था उस पूरे मामले में आज कोर्ट ने किस तरीके की सज़ा सुनाई है और पूरा मामला कितने टाइम तक चला और क्या था मामला। वर्ष 2009 सितंबर 2009 में आरडीएक्स और विस्फोटक पदार्थ मैगजीन पाकिस्तान से कुछ तस्कर लेके आए थे और यहाँ से आगे बब्बर खालसा ग्रुप को सप्लाई करना था और उस प्रकरण में 2009 के प्रकरण में 11 साल तक ट्रायल चली। आज ट्रायल कंप्लीट हुई जिसमें माननीय न्यायालय के न्यायाधीश सुश्री वमिता सिंह जी ने फैसला सुनाया। विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और आर्म्स एक्ट विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम और आईपीसी की धारा 120B 153A के मैं सभी 10 आरोपियों को आरोपित माना और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम की विभिन्न धाराओं में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सर किस तरीके का मामला था, उस वक्त क्या क्या बरामद हुआ था और इसके अलावा भी कोई और आरोपी थे या कितने टाइम तक ट्रायल चला और अभी कोर्ट के अंदर सभी आरोपी मौजूद थे या क्या था? हाँ, आज कोर्ट के अंदर इस संबंध में पुलिस ने 10 आरोपियों के खिलाफ चालान पेश किया था और 10 के 10 आरोपी न्यायालय में आज हाजिर थे और जिसमें से 4 आरोपी जो पूर्व से जेसी थे और 6 आरोपी बेल आउट थे। 6 आरोपी आज कोर्ट में सरेंडर थे जिनको न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। 10 के 10 आरोपियों को
आजीवन कारावास की विभिन्न विभिन्न धाराओं में सजा सुनाई गई है। और ये ट्रायल तकरीबन 11 साल चली है, 2009 का प्रकरण है। और कुछ आरोपी जो फॉरेनर थे जिनके खिलाफ़ पुलिस को अनुसंधान करना था शेष है, वो पुलिस की पहुंच से दूर हैं, जिसमें दो पाकिस्तानी हैं।